तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं धरती माँ की गोद में, यानी गांव के खेतों में। यहाँ की मिट्टी इतनी फर्टाइल है कि इसमें एक बार पैर रख दो तो जूते तक में मूली उगने लगती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका गांव की मिट्टी में, जहाँ कुदरत ने फिल्टर लगा रखा है। शहर की तरह धुआं धक्कड़ नहीं, यहाँ की हवा इतनी साफ है कि बिना पंखे के भी एसी वाली फील आती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गांव की वो जगह जो आपके इंस्टाग्राम स्टोरी से ज्यादा हिट है। अब ये है गांव का रिजॉर्ट, मिट्टी का घर। यहाँ रहने वाले यहाँ गर्मियों में एसी की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी की दीवारें ऐसी कूलिंग देती है आप भूल जाओगे कि बिजली कट गई है। यहाँ कूलर और फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम आ गए हैं खेतों में। यहाँ मेहनत का असली नजारा देखने को मिलता है। ये किसान भाई लोग अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके हाथों में हल और दिल में हिम्मत, इन्हें देखकर समझ आता है कि असली हीरो यही है। अब ये है असली नेचर का नजारा, चारों तरफ हरियाली, हवा में ठंडक और इन खेतों का तो क्या ही कहना। शहर में ऐसी नजारे देखने को नहीं मिलते। को सीताफल कहा जाता है, इसमें ये बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। खा के मैं आपको बताता हूँ कैसा लग रहा है, उसके बाद सभी अपना अपना रिव्यू देंगे। तो इसको इस तरह से तोड़ा जाता है, देख सकते हो, और यहाँ से हाथ गंदा ना हो ऐसा पकड़ना है। और ये मेरा इधर आप देख सकते हो, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हम इसे मजा कर रहे हैं। आप उधर जाइए कैमरा मैन, अबे उधर तुम जाओ खा। ये जो बीज है ना, इसको फोकस करिए कैमरा मैन, ये जो बीज है ना, इसको अगर आप वापस यहाँ से इधर दिखाइए कैमरा मैन, थोड़ा सा ये डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ मिट्टी कर दी, अब देखो इधर दिखाइए मेरे थोपड़े तरफ, यहाँ पे अब पानी वानी गिरेगा कुछ भी यहाँ पे होगा तो वो वापस से उठ सकते हैं। तो ये होता है मतलब सीताफल खा रहे हैं यार। इसको खाने के बाद मेरे को अपने बचपन वाले दिन याद आ रहे हैं। बचपन वाले दिन क्यों याद आ रहे हैं पता है, क्योंकि हमारे घर के पास स्कूल है और उस स्कूल के पीछे हम बाड़ी है, तो हम जाते थे वहाँ पे इसको चोरी करके खाते थे, तो वो वाला दिन याद आ गए हैं। तो किस किस ने बचपन में ऐसा ऐसा फ्रूट्स जो है चोरी किया है, कमेंट करो और बताऊंगा, कमेंट की बौछार करो। वो जो चोरी होता था ना, जो भी सीताफल, वो हमारे घर का होता था। ये देखिए गांव की हाईवे, यहाँ गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं, सिर्फ गाय, भैंस और कभी कभी बकरियां अपना राज चलाती हैं। और अगर सामने में भैंस आ गई तो आपकी सारी रेसिंग स्किल से बेकार है, क्योंकि वो तभी हटेगी जब उसका मन होगा। अब आ गए हैं गांव के स्विमिंग पूल, यानी पोखर तालाब। यहाँ बच्चे बिना लाइफ जैकेट के भी स्विमिंग चैंपियन बन जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर मछलियाँ भी आपके साथ फ्री में स्विमिंग करती हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं, ना ही कोई लाइफ जैकेट, बच्चे यहाँ बस मस्ती करते रहते हैं। और हाँ, यहाँ की मछलियाँ तो बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट पाती हैं। हेलो यार, डब्बा देख सकते हो भाई, डब्बा के मदद से नया तरीका से इन्होंने मछली को देख सकते का। कितने सारी अरे भाई, 20-25 तो होंगे मेरे को लग रहा है। मैं मेरा थोपड़ा आ रहा है भाई, आ रहा है मछली भी आ रही है। सब डब्बा लेंगे, फिर 20 से काट के इसको उल्टा खाऊंगे। हाँ, इसको पहले काटना है डब्बा को, फिर उल्टा ऐसे थपो देना है, फिर मछली कैसे फंसती है इसमें, मछली कैसे फंसती है को डाल देते हैं, फिर यहाँ से घुसती है, फिर ऊपर नहीं आ पाती। वाह भाई, क्या टेक्नोलॉजी है यार, ये देख सकते हो भाई, ये है टैलेंट। क्या नाम है भाई? चूरामड़ी क्या भारद्वाज। अब मिलते हैं गांव के गूगल से, ये बुजुर्ग, इन्हें सब पता है किसकी फसल कैसी है, कौन सा खेत सूखा पड़ा है और किसके घर में कौन सी नई बात चल रही है। गांव की कोई भी खबर इनके कान से नहीं बच सकती, ये तो गांव के वाईफाई है। अरे ये देखो, ये हमारे गांव के अंकल, इनके पास वो असली न्यूज चैनल होता है जहां दुनिया की हर खबरें मिलती है। और हाँ, यहां की कहानियां भाई, कहानियां ऐसी कि आप सुनोगे तो पेट पकड़कर हंसोगे। मैं यहां गांव के सबसे अनुभवी, बोले तो एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग के साथ बैठा हूं। दादा, गांव की जिंदगी कैसी है? बेटा, पहले जैसी बात नहीं रही। पहले क्या होता था दादा? पहले सारा गांव एक दूसरे की बातों में लगा रहता था, अब सबके हाथों में मोबाइल है और कोई बात नहीं करता। अरे दादा, आप तो व्हाट्सएप, फेसबुक पर मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप पर तो सब कुछ जल्दी हो जाता है, लेकिन जो मजा गांव में बैठकर चाय पीने का है
वो कहीं नहीं बेटा। सच कहा आपने, यहाँ चाय पीते पीते एक दूसरे की खिंचाई करना सबसे मजेदार है दादाजी। तो चाचा आज कौन सी खबर चल रही है, क्या चीन ने फिर से कुछ किया? अरे बेटा वो सब छोड़ो, गांव की लाला की नई भैंस आई है, उसकी खबर सुनो। एकदम वीआईपी भैंस है, दूध इतना देती है कि बाल्टी भी छोटा पड़ जाए। ये देखिए, ये है गांव के असली बॉडी बिल्डर भैंस जी। इन्हें देखकर दंगल के पहलवान भी शर्मिंदा हो जाए, और इनका काम है खाओ आराम करो और फिर से खाओ। सारा दूध दही का बिजनेस इनसे ही चलता है। ये ना तो शहर वाले जिम में प्रोटीन ही पीते रह जाए। भैंसा चरा था ना, कई साल हो गए हिसाब से, कई साल हो गए और है अब नाइसा के बीमार पड़े तो उसका जिन्हें भैंस ठीक। अब भैंस 25 साल हो गए सही, भैंसा के सेवा जतन करे बने लगते कि नहीं लगे? पचास में बेचे रहे। तो देख सकते हो बाबा ने 21,000 का लिया था, और उसको उसके बाद घर में उसको बढ़िया पालन पोषण किया, और 50,000 को उन्होंने बेचा। तो ऐसा उनका बिजनेस भी चलता रहता है। और दूध दही घी तब लिया, हाँ 29,000 का फिर से लिए हैं अब। हाँ भारी बिजनेस है, और दूध दही सब ये घर पिया था। देखो गाय रखने के ही फायदा है, दूध दही सब मिलता रहता है बढ़िया देसी, और उसमें कोई मिलावट नहीं रहता शहर जैसे। कोई मिलावट नहीं रहता बढ़िया एकदम मस्त बॉडी बनती है उससे, अच्छा चीज़ है। तो देखो मैं आपको अभी मस्त चीज़ बताना चाहता हूँ कि गांव में और जंगलों में आसपास में जिसको हम लोग खार बोलते हैं, तो वहाँ कई बार भालू आ जाते हैं और हाथी आ जाती है। तो अब दिक्कत होता है कि कैसे किया जाए, लेकिन कई बार सामना हो जाए तो कई लोग ऐसे मिले हैं जिनका सामना हो जाता है, और उनका सर्वाइवल, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया उनके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे दादाजी मिल चुके हैं और इनका अपन स्टोरी सुन रहे थे रास्ते में आते आते, और इन्होंने बड़ा अमेजिंग चीज़ अपने को बताया है, तो हम सोचे उनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अभी चाचा जी बताएंगे कि उनका क्या स्टोरी है जो कि 15 साल पहले घटित हुआ था। मैं रहे हैं खरसिया के थाना के सामने, और सुबह में गए खेत, भालू सूते रही, अब सूते हैं मैं धरे हूँ टांगी और हसिया, भालू हाथ मोर ऊपर हमला करी, टांगी है फेंका दी ओकर हाथ मोर हाथ खप गई, हसियाल धर रहे तो वो हसियाल धरे है और हाथ हाथ खप रहे, वह घूर का थे महू घूर का थो तीरा झीका हो ढकली ढकला हो गए, और खेत धान बढ़े है अब तक तो हाथ है कटी तो भालू अति गिर गए मेती भालू के हाथ कट गए, भालू हाथ हसिया पकड़े रख के थे ऐसे करके, भालू अति गिर गए मेती गिर गए ओहो घुड़का थे महू घुड़का थो, तो आखिर में भालू भागी, लुंगी पिंधे रहे छूट गई छूटी गई चड्डी पिंधे रहे, हाथ कटे भी नहीं थे बचे भी नहीं थे इनका। हां हां ठीक ठीक, और हथिया नहीं रहती तनी बात नहीं बच पाया बनिया ना चड्डी पटी भैया। आज के जो युवा है ना वो ना कुत्ते देख के भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं, लेकिन दादाजी ने भालू से लड़ा, सरवाइव, लड़ा नहीं है मतलब सरवाइव किया, सरवाइव किए हैं, मतलब ऐसा है कि अब आ जाता है तो सरवाइव करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल सरवाइव नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, लेकिन दादाजी ने किया तो वो बहुत ही अमेजिंग लगा। हम आ रहे थे बाइक में तो बताए, तो हमने तो यकीन हम आपसे शेयर करें किया जाए। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है और सभी एडवांस हो चुके हैं, और हमारे दादाजी भी बहुत एडवांस हो चुके हैं। आज उनका फोन में देखते हैं आखिर क्या है कैसा है, तो ओपन करके बताइए दादाजी। तो अपना फोन ओपन करके बता रहे हैं, बताइए इससे आप अपने मोबाइल ऐसे सिक्योर कर सकते हैं। इधर बता दीजिए, ये है, ये देख सकते हैं, लाइक करो दादाजी के लिए। और ये है गांव का स्टारबक्स, यहाँ की चाय में जो स्वाद है वो शहर के बड़े बड़े कैफे में भी नहीं मिलेगा। 5 रुपए की चाय पीने के बाद आप खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझेंगे, और साथ में अगर गपशप हो जाए तो क्या बात। और अब आपके सामने पेश है गांव की फरारी ट्रैक्टर, ये सिर्फ खेत जोतने के काम नहीं आता बल्कि शादी बारात में भी इस पर लोग बैठकर आते हैं, और इसकी स्पीड भाई साहब 20 की स्पीड पर ऐसा फील आएगा जैसे हवा से बात कर रहे हो। यही है नेचर, और नेचर के कई सबको रहना चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये देख रहे हो ना, इसको मैंने अपने हाथों से उगाया था और आज इतना बड़ा हो गया।
तो दोस्तों ये थी हमारे गांव की मजेदार सैर। यहाँ ना ट्रैफिक, ना प्रदूषण, बस शांति और सुकून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का हल चलाओ, सब्सक्राइब का बीज बो दो और कमेंट की फसल उगाओ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गांव के शुद्ध हवा में लंबी सांस लो और मस्त रहो।